तो अब हम देखते हैं विंडोज अपडेट एंड सिक्योरिटी पे हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे विंडोज अपडेट एंड सिक्योरिटी क्या है। विंडोज अपडेट, जैसे हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम रात को किसी टाइम में ऑटोमेटिक अपडेट होता है इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद, ऐसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपडेट होता है। लेकिन इसमें दो शर्तें हैं। अगर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रजिस्टर्ड कॉपी है, पायरेटेड कॉपी नहीं है, फ्री वर्जन नहीं है, तो उसको आप अपडेट लाजमी कराएं। लेकिन अगर वो पायरेटेड है, रजिस्टर्ड कॉपी नहीं है, तो अगर आप अपडेट कराएंगे तो वो आपको विंडोज एक्टिवेशन का एरर देगा और कहेगा कि इसको बाय कर लें, इसके पैसे दे दें, इसकी सीरियल दे के बाय कर लें, ताकि आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास रजिस्टर्ड हो जाए और फिर ये कभी करप्ट ना हो और आप सारे ऐप्स को और सारे फीचर्स को आसानी इस्तेमाल कर सके। अब यहाँ पे अपडेट की जो सेटिंग है वो क्या है, जैसे आप विंडोज अपडेट पे क्लिक करेंगे और आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो फौरन microsoft.update.com पे जाएगा और वहां से नए नए फीचर्स को डाउनलोड करना शुरू कर देगा। अगर आपका विंडोज 10 रजिस्टर्ड है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, डेली अपडेट कराएं इसको, बल्कि वो खुद ही अपडेट होता रहेगा। लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो आपके विंडोज को डीएक्टिवेट कर देगा और आपसे कहेगा कि भाई ये बाय करो, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे दो सेटिंग्स हैं, आप इसकी अपडेट को यहाँ से ऑफ कर दें गेट लेटेस्ट अपडेट को, और यहाँ से आइए एडवांस सेटिंग के अंदर, ये सारी सेटिंग्स भी इसकी ऑफ कर दें। जब ये आप सारी सेटिंग्स ऑफ कर देंगे तो आपका विंडोज ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा, और जब अपडेट नहीं होगा तो वो एक्टिवेशन का भी ऑप्शन नहीं देगा। लेकिन इसका नुकसान ये हो सकता है कि जितने भी नए फीचर्स आपके विंडोज के आ रहे होंगे उससे आपका विंडोज महरूम हो जाएगा और नए एप्स और नए सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखनी है बात, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद नीचे आ जाते हैं विंडोज सिक्योरिटी के ऊपर। विंडोज सिक्योरिटी क्या है, विंडोज 10 के अंदर अपना खुद का एक एंटीवायरस भी है। एंटीवायरस क्या काम करता है कि वो आपके विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर करता है अनवांटेड फाइल से, अनवांटेड वायरस अटैक से। लेकिन इसकी कुछ सेटिंग्स है, बाय डिफॉल्ट ये एक्टिवली काम कर रहा होता है। देखिए क्लिक करेंगे विंडोज सिक्योरिटी में, इधर जाएंगे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन के अंदर, और वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन के अंदर आने के बाद ये बता रहा है कि ये वो फाइल्स हैं जो इसने ब्लॉक कर रखी हैं जिनके अंदर वायरसेस थे। अब कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन ह्यूमन और मशीन में फर्क नहीं करता, उसको नहीं पता क्या गलत है क्या सही है। लेकिन इसको जो फाइल गलत लगती है उसको ब्लॉक कर देता है। इसके रिजल्ट में एक तो नुकसान ये भी होता है, बहुत सारे से गेम्स फाइल्स हम अपने कंप्यूटर में चलाना चाहते हैं और विंडो 10 चलाता ही नहीं उसको, क्योंकि उसको वो लग रहा होता है ये वायरस है। उसकी वजह ये होती है या तो वो ज्यादा पुराने होते हैं या वो कुछ ज्यादा लेटेस्ट होते हैं और उसका डेटा इसके पास होता नहीं है। तो हम अपने एंटीवायरस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से नीचे आएंगे, एक ऑप्शन है स्टार्ट एक्शन। जैसे स्टार्ट एक्शन पे क्लिक करूंगा ये इन सारी फाइल्स को डिलीट कर देगा जो इसने नोट कर रखी है कि भाई इनमें वायरसेस हैं और मैं चलने नहीं दूंगा। और दूसरा ऑप्शन है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन का, मैं यहाँ से जाके अपने एंटीवायरस की प्रोटेक्शन को कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, ये चार ऑप्शन है। रियल टाइम प्रोटेक्शन, अब व्हाट इज रियल टाइम प्रोटेक्शन, रियल टाइम प्रोटेक्शन से मतलब ये है कि जैसे ही आपने अपने कंप्यूटर में कोई यूएसबी लगाई, कोई फाइल डाउनलोड करी या कोई भी नई चीज आपने इसके अंदर इंजेक्ट करी, रियल टाइम प्रोटेक्शन उसको एक एक चीज को चेक करेगा और इसको अगर फील होगा कि इसमें वायरस है तो उस फाइल को ना तो कॉपी होने देगा, ना चलने देगा, ना ही डिलीट होने देगा, बल्कि उसको खुद डिलीट कर देगा आपके यूएसबी से, कंप्यूटर में से, सब जगह से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रियल टाइम प्रोटेक्शन। दूसरा प्रोटेक्शन है क्लाउड डिलीवर्ड, अगर कोई इंटरनेट से डाउनलोड हो रही है फाइल और उसके अंदर कोई वायरस इसको फील होगा तो उसको वहीं ब्लॉक कर देगा, डाउनलोड नहीं होने देगा। तीसरा फीचर है ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन, इसको कोई नई ऐसी फाइल मिली जिसकी मेमोरी में इसके पास उसका डेटा नहीं था तो इस फाइल का एक सैंपल लेगा और अपनी वेबसाइट पर भेज देगा, भाई चेक करो ये नई चीज आई है मेरे पास, क्या है वायरस है क्या है, वो फिर इसको अपडेट करेंगे। और चौथा फीचर है टेम्पर प्रोटेक्शन, प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम टेम्परिंग विद इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर, मतलब कोई भी इंटरनेट के जरिए आपके कंप्यूटर को हैक करके उसकी सेटिंग्स और सिक्योरिटी को चेंज करना चाहेगा तो उस बात को भी ये रोकेगा कि वो चेंज ना कर सके। अब इन चारों प्रोटेक्शन को आप कहते हैं ये है आपका वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, जिसमें ये चारों प्रोटेक्शन मिलती है, समझ रहे हैं। अब कभी अगर आपको इनमें से किसी भी प्रोटेक्शन को ऑफ करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली ऑफ कर दो, ये एंटीवायरस का रियल टाइम बंद हो गया, सबमिशन बंद हो गया। अब आपका कंप्यूटर लाइव चल रहा है, फास्ट चलेगा, पहले से डेटा कॉपी भी करेगा, किसी फाइल को नहीं रोकेगा, वायरस आए कुछ भी आए वो आपके विंडो में इंजेक्ट कर देगा। तो यहां से आप अपने एंटीवायरस को कंट्रोल कर सकते हैं, कभी आपको जरूरत पड़े इसको ब्लॉक कर देगी, ऑन कर देगी, तो यहां से आप इसको दोबारा से ऑन भी कर सकते हैं। ये आपको जहन में रखना है कि किस तरह से प्रोटेक्शंस को कंट्रोल करना है। उसके बाद आ जाए नीचे क्लिक करके बैक कर लें यहां से, फिर यहां पर एक ऑप्शन मिल रहा है आपके पास ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल। ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल पे आप जाएंगे और यहां पर वैसे तो इतना कोई खास इसके अंदर सेटिंग्स नहीं है, लेकिन अगर आप यहां से प्रोटेक्शन सेटिंग्स में जाएंगे तो कह रहा है कंट्रोल फ्लो सीएफजी,
डेटा एग्जीक्यूशन डीईपी, ये कुछ इनके कुछ सेटिंग्स हैं जिसके ऊपर ये खुद ही काम कर रहा होता है। तो बहरहाल आपका एंटीवायरस आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक ऑप्शन है डिवाइस एंड परफॉर्मेंस एंड हेल्थ का, यहाँ से आपको बता रहा है कि विंडोज की टाइम सर्विसेज बिल्कुल सही काम कर रही है, स्टोरेज कैपेसिटी है, आपकी हार्ड डिस्क को कुछ स्पेस चाहिए, फुल हो रही है। चेक करते हैं दिस पीसी में जाके क्या ऐसा वाकई हो रहा है। तो दिस पीसी में जाके हमने देखा तो यहाँ पे वाकई हमारी सी ड्राइव में काफी डेटा जो है वो 9.5 GB का फ्री स्पेस है और 116 GB इसमें से यूज हो चुका है। तो ये सारी सेटिंग हमारी यहाँ पर रही। बैटरी लाइफ में कोई इशू नहीं है और किसी एप्स में या सॉफ्टवेयर में भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक फीचर है जिसको आप यूज करके अपना थोड़ा काम ले सकते हैं। यहाँ से हम बाहर आते हैं विंडोज सिक्योरिटी से और पीछे आते हैं और पीछे आते हैं और यहाँ से हम पीछे आ गए। दोबारा से मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और दोबारा से मैं चला गया यहाँ से सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स में जाने के बाद मैंने यहाँ से खोला अपडेट एंड सिक्योरिटी, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलने वाला है जिसका नाम है रिकवरी। रिकवरी में क्या होगा, जैसे आप अपने मोबाइल को रीसेट करते हैं ऐसे आप अपने विंडोज 10 को भी अपने पीसी पे रीसेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखें, यहाँ पे दो ऑप्शन है, कीप माई फाइल्स, रिमूव एवरीथिंग। कीप माई फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग में क्या होगा, जैसे अगर कीप माई फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पूरे विंडोज 10 को रीस्टोर कर देगा, रीस्टोर करेगा, लेकिन जो आपकी डॉक्यूमेंट म्यूजिक पिक्चर में फाइल है वो छोड़ देगा, एप्स सारी रिमूव कर देगा और रिफ्रेश कर देगा आपकी विंडोज की कॉपी को। लेकिन अगर आप कहेंगे रिमूव एवरीथिंग तो आपकी डॉक्यूमेंट म्यूजिक पिक्चर वीडियोस में डीई में जो भी डेटा है वो सारा रिमूव कर देगा, सारी एप्स को रिमूव कर देगा, बिल्कुल एक फ्रेश कॉपी आपकी नई विंडोज की बना देगा। लेकिन याद रहे ये फीचर आप अपने पर्सनल कंप्यूटर में उस वक्त यूज करेंगे जब आपके पास लाइट का इशू ना हो, मतलब लाइट एक घंटे तक ना जाए और कंप्यूटर आपका ऑन रहे, क्योंकि आपने इसमें से कोई भी कमांड ली और बीच में चली गई लाइट तो वो कंप्यूटर बीच में ही हैंग हो जाएगा, फिर आपको हमारे पास ला के या एक्सपर्ट के पास ले जाके 500-1000 रुपये दे के उसको दोबारा से नए फीचर डलवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इंतहाई सेंसिटिव फीचर्स हैं जब आप यूज़ करेंगे। इसका एक नुकसान ये भी होगा आपको, आप बोलेंगे मैं रीस्टोर कर देता हूँ, रीस्टोर करने पर सारी एप्स रिमूव हो जाएंगी, फिर आपको 200, 300, 400, 500, 1000 रुपये में वो एप्स को ले के दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो ये फीचर कब यूज करना है, जब आप बिल्कुल कंप्यूटर किसी को बेच रहे हैं या आपने हाथ उठा लिया है तो इसको कर दे, ये बिल्कुल रीसेट कर देगा, इसमें आधे घंटे से पौना घंटा आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप कंप्यूटर में लगेगा और बिल्कुल फ्रेश कॉपी विंडोज की आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई ये बात, तो यहाँ पर ये आपको फीचर मिल रहा है रिकवरी के अंदर, ठीक है। फाइंड माई डिवाइस का फीचर है, फाइंड माई डिवाइस के फीचर पे क्लिक करके जैसे आप इसको ऑन कर देंगे तो मेरे लैपटॉप की लोकेशन जब भी ये इंटरनेट पे कनेक्ट होगा मेरी आईडी के जरिए जो हमने अकाउंट में लगाई हुई होगी उस पर हम इसको ट्रैक कर सकेंगे जैसे हम अपने मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ से इस फीचर को बस आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो टर्न लोकेटिंग सेटिंग में जाके ऑन कर दें और इसको भी मैंने यहाँ से ऑन कर दिया। अब मेरा लैपटॉप मेरी आईडी के ऊपर कनेक्टेड है और कनेक्टेड है तो मैं इसको गूगल मैप्स पे जाके जैसे अपनी आईडी को ट्रैक करूंगा तो बताएगा मेरा लैपटॉप किस एरिया में यूज हो रहा है, ठीक है।